फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, छत्तीसगढ़ का हाफ ईयरली करंट अफेयर नोट्स जनवरी से लेकर जून 2021 तक का हाफ ईयरली करंट अफेयर नोट्स आज से अवेलेबल हो रहा है। इसके सैंपल पेपर आपके टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज में अपलोड कर लिए गए हैं, वहां से जाकर के आप सैंपल्स देख सकते हैं। और जिस किसी को भी यह नोट्स चाहिए वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके नोट्स ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारे ऑनलाइन बैच से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यानी कि छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी का एक ऑनलाइन बैच बनाया जा रहा है। ये जो बैच है ये 100 स्टूडेंट्स को लेकर के बनाया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि आज 10 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है आपके 31 जुलाई, 31 जुलाई को रजिस्ट्रेशन आपके क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ऑनलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस किस प्रकार से होगी, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर कराए जाएंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन ऑनलाइन क्लास बैच। इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे आपके छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन। छत्तीसगढ़ के जो आपके 28 जिले हैं, इन सभी 28 जिले का मैप आधारित क्लास चलेगा, ठीक है। 28 जिलों का मैप आधारित क्लास आपको कवर कराया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भौगोलिक अध्ययन यानी कि छत्तीसगढ़ की नदी, पहाड़, पठार, जलप्रपात, सिंचाई परियोजना, जलवायु, मिट्टी, खनिज, वन, उद्योग, ऊर्जा इत्यादि, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो कंप्लीट आपका भौगोलिक अध्ययन है वो कवर कराया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की जनजाति है, उनका रहन सहन, खान पीन, उनकी बोली, उनकी विवाह पद्धति, ठीक, उनकी विवाह पद्धति, उनके प्रमुख देवता, वो सारी चीज़ें आपके कवर कराई जाएगी छत्तीसगढ़ के जनजाति वाले टॉपिक में। देखिए, यहाँ केवल हमने टॉपिक मेंशन किया है बल्कि लेक्चर्स आपके काफ़ी लंबे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन, 28 जिले का ही लगभग आपको 16 से 17 वीडियो में आपके 28 जिले कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। आपका छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन, ये भी काफ़ी लंबा टॉपिक चलेगा आपका। छत्तीसगढ़ की जनजाति, ये भी अपने आप में एक सेपरेट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, व्यंजन, आभूषण, लोकगीत, लोक नृत्य, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास। इस छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले टॉपिक में हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये छत्तीसगढ़ का इतिहास वाला टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा चलेगा। ये जो क्लासेस है छत्तीसगढ़ का इतिहास वाला, ये काफ़ी लंबा चलेगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इसमें पढ़ने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक, ये तीनों काल के इतिहास छत्तीसगढ़ में हम कवर करेंगे। उसके बाद आपके ग्राम पंचायत और नगरी निकाय, आप सभी को पता है कि पीएससी हो या व्यापम, एक ना एक क्वेश्चन आपके ग्राम पंचायत और नगरी निकाय से पूछे ही जाते हैं। एक साल तो पीएससी का पेपर आया था जिसमें आपके 30 से 35 क्वेश्चन अकेले ग्राम पंचायत से पूछा गया था और उसके अगले ही साल आपके नगरी निकाय का पूरे क्वेश्चन भर दिए गए थे। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत और नगरी निकाय को हम कवर करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं, छत्तीसगढ़ में जो पुरानी योजनाएं जो पहले से चली आ रही है और इसके साथ साथ नवीनतम योजना, नवीनतम योजनाएं मतलब जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है और उनके द्वारा जो भी आपकी नई योजनाएं प्रारंभ की गई है, वो सभी चीजों को हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं में। ये काफी इंपॉर्टेंट है सीजीपीएससी प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, ठीक है। मेंस में तो सीधे सीधे आंसर राइटिंग के लिए आएगा और प्री में जो है आपके छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं, इससे डेट आधारित, उसके उद्देश्य से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं में पूछे जाएंगे। इसके अलावा है आपके छत्तीसगढ़ विधि विविध यानी कि मिसलिनियस, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ में शिक्षा, साहित्य, व्यक्ति विशेष और जो भी बची हुई चीज़ें हैं जैसे कि परिवहन, ये सारी चीज़ों को हम छत्तीसगढ़ के विविध के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। विविध में आने से पहले जो हमारी ये जो मेन जो सेक्टर है जो आपके 1 से लेकर के 7 तक, इसको हमको पहले अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का सिलेबस। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लेक्चर्स आपको YouTube में ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मतलब छत्तीसगढ़ में मेनली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे और छत्तीसगढ़ का बजट, यही दो चीज़ आपको पढ़ना होता है। ये भी आपको YouTube में आपको अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा,
ठीक। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हम आप अपने ऑनलाइन बैच में कवर कराएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ये जो आपका ऑनलाइन बैच है, अब इसमें क्या क्या चीज़ों को हम मेनली फोकस करेंगे। पहली चीज़ तो ये आपका जो ऑनलाइन बैच बन रहा है ये एकदम फ्रेश बैच है। फ्रेश बैच इन द सेंस इसमें हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक साल दो साल या पहले किसी न किसी कोचिंग सेंटर में ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन हम ये जो आपका बैच बना रहे हैं ये एकदम शून्य से स्टार्ट होगा। एकदम जीरो से ग्राउंड लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। साथ ही साथ जब जब हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल ही पढ़ रहे हैं या छत्तीसगढ़ का इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक चल रहा होगा उस टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करके और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी उन चीज़ों को भी हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में जब हमारे लेक्चर चल रहे हैं तो लेक्चर के दौरान जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम आपके ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक। अब देखिए ये जो आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है आपकी लाइव क्लासेस और दूसरी है आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस। लेकिन हमने ये डिसीजन लिया है कि जो हमारा जो क्लास चलेगा ये आपके रिकॉर्डेड क्लास की फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किए जाएंगे, उससे आपको अपना नोट्स तैयार करना है। देखिए हम चाहे तो इसमें आपके लिए लाइव क्लास की सुविधा भी ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। अगर हम लाइव क्लासेस चलाते हैं तो लाइव क्लासेस के दौरान हो सकता है किसी का कोई नेटवर्क इशू रहा या कुछ रहा तो उसमें लाइव क्लास बीच में इंटरप्ट हो सकता है, ठीक। लाइव क्लास बीच में इंटरप्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ है लाइव क्लास के दौरान जो बोर्ड है पूरा ब्लैंक रहेगा, खाली बोर्ड में मेरे को लिख करके आपको चीज़ें बतानी पड़ेगी, तो लिखने में लगने वाला समय, फिर लिखे हुए चीज़ों को मिटाना, आपको लिखने के लिए समय, जो बोर्ड में मैंने चीज़ें लिखी है तो उसको लिखने के लिए आपको समय देना, तो ये सारे चीज़ों में जो है आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा। यानी कि मान लीजिए अगर हम एक बोर्ड पे एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करते हैं तो वो लेक्चर का ड्यूरेशन मैक्सिमम आपके 25 से 30 मिनट का रहेगा, लेकिन वही अगर हम लाइव सेशन चलाते हैं तो लाइव सेशन का टाइम ड्यूरेशन लगभग आपके 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है। तो जबरदस्ती का आपका एक्स्ट्रा 30-45 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। चीज़ें वही पढ़ी जाएगी, जो लाइव क्लासेस भी वही चीज़ें पढ़ी जाएगी और रिकॉर्डेड क्लासेस में भी आपको वही चीज़ें ही पढ़ाई जाएगी। इवन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही बताई जाएगी, ठीक है। जो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको कुछ चीज़ें शॉर्ट करके बताया जा रहा है, रिकॉर्डेड क्लास में बोर्ड पे चीज़ें लिखी रहेगी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम बोल करके बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको जो क्लास प्रोवाइड होगा ये आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड होगा। अब रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डाउट कैसे क्लियर करेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए जो आपको जो वीडियो लेक्चर जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ये हमारे मोबाइल ऐप CGPSC ई पाठशाला के थ्रू होंगे, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में आप जाकर के CGPSC मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें एक पर्टिकुलर बैच बनाया जाएगा, उस बैच के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें एक चैट का ऑप्शन भी दिया गया है, आपको अगर किसी भी लेक्चर में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उसी मोबाइल ऐप के चैट वाले सेक्शन में जाकर के लेक्चर मेंशन करके, यानी कि पर्टिकुलर हम एक लेक्चर का नाम देंगे लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4, तो उस लेक्चर में जाकर के उस लेक्चर का नाम बता करके आपको किस टॉपिक पे किस जगह में क्या डाउट हो रहा है आप चैट सेक्शन में आकर के हमको चैट में बता सकते हैं, ठीक है। तो वहां आपका डेली बेसिस पे आपके डाउट्स भी तुरंत आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तीसरी चीज आपके आपका एक और क्वेश्चन होगा कि इस लाइव क्लासेस में हमको नोट्स या PDF नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको इस ऑनलाइन बैच में किसी भी प्रकार का कोई भी PDF नोट्स प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। जी हाँ, कोई भी नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, खुद से बनाया हुआ सेल्फ मेड जो आपका नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, ये नोट्स हम चाहे तो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं लेकिन हम नहीं कराएंगे। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराते हैं तो ये आप हो जाएंगे आलसी। हमको आपको मेहनत करवाना है, न कि आलसी बनवाना है। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, PDF नोट्स अवेलेबल है, वीडियो देखेंगे, नोट्स देखेंगे और उस नोट्स को एक कोने में डाल करके आप रख देंगे, मेहनत नहीं करेंगे।
ये जो आपको जो क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा डेली बेसिस पे, आपको होमवर्क दिया जाएगा कि जो आपके क्लास चल रही है उस क्लास का डेली बेसिस पे नोट्स बना करके आप उसे हमें सेंड करेंगे मोबाइल ऐप, मोबाइल जैसे आने वाले समय में जब हम क्लास चालू करेंगे तो उससे पहले आपको मोबाइल ऐप का डेमो भी देंगे। उस डेमो में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से डेली क्लास का नोट्स बना करके आपको हमें सेंड करना है। हम उस नोट्स को चेक करेंगे, अगर किसी भी प्रकार की गलती उसमें पाई जाती है तो उस कंडीशन में आपको बताया जाएगा कि आपने इस नोट्स में क्या गलती करी। देखिए क्या होता है कि अगर हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती है। जी हाँ, जरूरी है कि आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, खुद के हाथ से बनाया गया नोट्स, सेल्फ से जो आप अपना नोट्स बनाते हैं तो खुद से बनाया गया नोट्स आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। अगर आप खुद से अगर जज करेंगे, अगर आप पहले कोई ना कोई एग्जाम दिए होंगे तो जब कभी भी एग्जाम में कोई डाउट आता है ना तो सबसे पहले हमारा माइंड हमारे कॉपी के पन्नों में जाता है, हमारे कॉपी के पन्ने ऑटोमेटिकली माइंड में पलटने लगते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमने किस जगह पे क्या चीज़ें लिखी हुई है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है जो काफ़ी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, चाहे तो आप जाकर के बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन पता है कि बुक से चीज़ें अगर पढ़नी आसान होती तो हमें क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप क्लास में आ रहे हैं तो क्लास के लिए आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे क्लास अटेंड करके आपको उसके नोट्स बना करके अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरी चीज। तीसरा चीज ये, इसमें जो है आप में से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मंडी निरीक्षक का पेपर आ गया तो जल्दी कोर्स कंप्लीट करा दीजिए, एसीएफ का पेपर आ गया तो जल्दी कोई कोर्स कंप्लीट करा दीजिए, सचिव कनिष्ठ का पोस्ट आ गया तो उसका जल्दी से उससे पहले ये कोर्स कंप्लीट करा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कोर्स का हम मैक्सिमम ड्यूरेशन लेते हुए चल रहे हैं 3 मंथ का, 3 महीने का। देखिए ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, कोर्स इससे पहले ही 50 से 55 दिन में यानी कि 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम मैक्सिमम टारगेट लेते हुए चल रहे 3 महीने का। उसका कारण क्या है, हो सकता है बीच में कोई फेस्टिवल्स आ जाए तो उस समय आपके क्लासेस ऑफ रहेगी, या मेरे साथ ही कोई आपके इमरजेंसी केसेस आ जाए उस कंडीशन में हो सकता है क्लासेस बंद हो जाए, या हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ जाए, टेक्निकल इशूज मतलब कैमरा खराब हो गया या माइक खराब हो गया, ऐसे अगर कोई इशूज आ जाते हैं तो उसे रिजॉल्व करने में हो सकता है टाइम लग जाए। तो इसीलिए जो हम मैक्सिमम इस कोर्स का ड्यूरेशन लेते हुए चल रहे हैं 3 महीने का, लेकिन ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने में ही। ठीक है, 2 महीने या 50 से 55 दिन में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। डेली बेसिस पे आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, 2 वीडियोस जो है आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हमको लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लेंथी काफी बड़ा वीडियो है तो उस दिन केवल आपको 1 ही वीडियो मिलेगा। ठीक है, उससे जुड़ी हुई जानकारी समय समय पे आपको मोबाइल ऐप के थ्रू एक नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा कि आज कौन सा लेक्चर है, किस प्रकार का लेक्चर है, लेक्चर्स आज कितने होंगे, लेक्चर्स होंगे या नहीं होंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिलते रहेगा। डेली बेसिस पे आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रहा तो उस दिन आपको 1 ही लेक्चर मिलेगा। ठीक, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपसे टाइम टू टाइम उसमें डिस्कस किए जाएंगे। देखिए अब बात आती है इसके फीस की, जो हमारा ऑनलाइन बैच बन रहा है इसका फीस है आपका 3000 रुपीज। ठीक है, 3000 रुपये हमारे इस ऑनलाइन बैच का आपका फीस है, 1 टाइम फीस है, इसके अलावा और भी कोई इसमें हिडन चार्जेस नहीं है। आपका कंप्लीट इसका पैकेज है आपके 3000 रुपये का। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है आपका 31 जुलाई। ठीक है, 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है, आज है आपका 10 जुलाई, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा आपके 31 जुलाई को। ठीक है, और हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी आपके 1 अगस्त से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम मैक्सिमम टारगेट लेते हुए चल रहे बच्चों का 100। ठीक है, 100 स्टूडेंट के साथ ये बैच बनेगा, ध्यान दीजिएगा 100 से ज़्यादा बच्चे इसमें नहीं होंगे। अगर इस रजिस्ट्रेशन जो डेट है आपका 31 जुलाई से पहले भी अगर ये 100 बच्चों का टारगेट पूरा हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन यहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 तारीख 21 तारीख 22 तारीख को ही अगर 100 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है तो उस कंडीशन में आपका जो है रजिस्ट्रेशन वहीं पर बंद कर दिया जाएगा। ठीक है,
जब तक ये 100 स्टूडेंट का आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई भी नया बैच स्टार्ट नहीं किया जाएगा। 100 बच्चों का टारगेट लिया गया है। देखिए हम चाहे तो इसमें 200 250 300 और भी बच्चे इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको जितने बच्चे हम ऐड कर रहे हैं, जितने बच्चों को लेके हम चलना चाह रहे हैं, उन पर प्रॉपर हमारा कमांड रहे, ये हमारा मेन टारगेट है। ठीक है, भीड़ इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं, कम से कम जितने बच्चे हैं उन बच्चे के पर्टिकुलर हम डाउट क्लियर कर सके, उनके लेक्चर्स उन प्रॉपरली ले सके, ये हमारा मेन फोकस है। ठीक है, तो अगर इस रजिस्ट्रेशन डेट से पहले भी अगर 100 बच्चों का टारगेट पूरा हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन वहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो अगर इस हमारे ऑनलाइन बैच से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं एंड करते हैं।